नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप। राजधानी रांची समेत झारखंड में कोरोना की रफ्तार काफी तेज है। 1500 के करीब एक दिन में संक्रमित सामने आ रहे हैं। ऐसे में सबसे अधिक राजधानी रांची से ही संक्रमित सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के आंकड़े को अगर हम देखें तो राजधानी रांची में सबसे ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 615 संक्रमित जो है सिर्फ राजधानी रांची से मिले हैं। तो यह हम कह सकते हैं कि संक्रमितों की कुल संख्या में आधी लगभग राजधानी रांची से है। ये हालात तब उत्पन्न हुए हैं जब बीते दिनों नववर्ष के स्वागत के लिए लोग काफ़ी उत्साहित थे और लोग अपने परिवार के साथ हाल के दिनों में पार्कों में भी घूमते हुए नजर आए थे। इस वक्त हम मौजूद हैं निगम पार्क मुख्यमंत्री आवास के पीछे है। ये हमने उस दिन भी तस्वीर दिखाया था कि यहाँ कितनी भीड़ थी, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, मास्क नहीं पहन रहे थे। लेकिन अब सरकार ने जो डिसीजन लिया है कि सार्वजनिक स्थलों जैसे पार्क, स्टेडियम, खेल के मैदान, इन तमाम जगहों को, स्कूल कॉलेज को बंद कर दिए, जो निर्णय लिया है, उसके बाद अब यहाँ पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। ये तस्वीर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर ताला बंद है, टिकट काउंटर खाली पड़े हुए हैं। पार्क में जो है सिर्फ जो यहाँ केयर टेकर के तौर पर रहते हैं, जो देख रेख करते हैं, वही यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल आम लोगों के लिए यहाँ पर प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। लेकिन अगर हम पिछले 4-5 दिनों की बात करें तो यहाँ काफ़ी भीड़ रहा करता था। छोटा सा ये पार्क है लेकिन सड़क पर जो है लंबी लंबी कतार लोगों की लगी रहती थी प्रवेश के लिए। कई लोग बिना मास्क के भी घूमते हुए नज़र आ रहे थे। तो क्या हम कह सकते हैं कि लोगों की लापरवाही कहीं भारी पड़ रही है? जो यहाँ पर केयर टेकर हैं उनसे ही जानते हैं। ये बताइएगा कितनी भीड़ रहती थी 1 जनवरी को, 2 जनवरी को या फिर हाल के दिनों में? बहुत भीड़ था। तो आप लोग मना नहीं करते थे लोगों को जो इसकी कैपेसिटी कम है, यहाँ कम लोग आए? यहाँ सब कुछ फ्री है इसीलिए भीड़ ज़्यादा लगता है, और जब और पार्क में कम भीड़ है तो इसलिए वहाँ नहीं लगता है, वहाँ ज़्यादा ढवा लगता है, यहाँ कम ढवा लगता है इसलिए भीड़ ज़्यादा है। बच्चों के लिए वो सब फ्री है, खेल उल का सामान जो है फ्री है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा भीड़? हाँ, यहाँ इसीलिए भीड़ है। इसीलिए बंद के लिए तो बहुत व्यवस्था लगाया हुआ है, तैयो बंद नहीं मानता है पब्लिक। लोग नहीं मानते थे, मतलब बिना मास्क के ही, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते ही लोग घूमते रहते, डुक जाता है। तो देखिए लोग जो यहाँ पर हैं मौजूद, जो देख रेख कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि नियम काफ़ी थे लेकिन लोग उसका पालन नहीं कर रहे थे। यही बात हम भी कह रहे हैं कि लोग के मन से जो है एक डर खत्म हो चुका था कोरोना को लेकर के। भले ही जो आंकड़े अब आ रहे हैं वो जरूर लोगों को डरा रहे हैं। बच्चे तंग करते हैं? हाँ, अभी पापा रहते हैं बाहर में ना, इसी वजह से थोड़ा करती है मम्मा चल। हाँ, तो लेकिन अब सब कुछ बंद हो चुका है? हाँ हाँ, बंद हो गया। वो तो रात में हमें पता था लेकिन इसको दिखाने के लिए कि चलो देख लो बंद है। क्या नाम है? निशा। आए थे घूमने के लिए बाहर? पता नहीं था जो बंद हो गया। मैं बाहर में रहता था। हाँ, मैं लेह लद्दाख। हाँ, पता नहीं था। हाँ हाँ, इसलिए मेरे को पता है। आप ही बता, अभी बोल रहे हैं कि बंद हो गया इसलिए हम जा रहे हैं वापस। हाँ ठीक है, ना ना नहीं जाएंगे। लेकिन जो तस्वीर हमने देखी है वो जरूर हैरान करने वाली थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ दुकान लगे हुए थे, लोगों यहाँ जो है अपने परिवार के साथ खाया पिया भी करते थे, कई चीज़ें बिक रहे थे। तो अब यहाँ सुनसान पड़ा हुआ है। जो दुकानदार हैं उनसे ही हम जानते हैं कि आखिर कितनी भीड़ रहती थी, आज क्या स्थिति है। भैया ये बताइएगा हाल के दिनों में कितना भीड़ रहता था, कितनी आमदनी हुई थी? अब हम कहाँ कर रहे हैं, मैंने 31 दिसंबर के मैंने भीड़ बार ठीक है, 12 बजे ठीक है, 1 तारीख भी ठीक था, 2-3 तारीख भी ठीक था। आज पार्क बंद है तो सुन सुनाटा लग रहा है। क्या आज तैयारी करके आए थे? आपको पता था कि आज बंद हो जाएगा? ये तो हमको मालूम नहीं था, मैंने अंदाज पर हम आते हैं, रोज लगाते थे यहाँ जैसे, उसी हिसाब से आप सामान तैयार करके आए? सामान जैसे हम रोज लेके आते थे उतना सामान लेके आए हैं आज भी। अच्छा। लोग नहीं है? हाँ नहीं है। डर लग रहा है कोरोना से? अभी तो कोरोना कुछ पता नहीं चलता, मैंने हम अपना चलते फिरते रहते हैं, बेच रहे हैं वैसे बेच रहे हैं। लेकिन जो इतनी भीड़ होती थी यहाँ पर उस समय डर लगता था?
अरे फुचका वाला के तो कार्टन सुनो, फुचका वाला तो बेच रहा है अपना, बेच रहा है, मजा आता है, ज्यादा भीड़ लगता है तो मजा आता है क्योंकि फुचका ज्यादा बिकता है ना। अच्छा, फुचका ज्यादा बिकता है इसलिए मजा आता है। हाँ, इसीलिए मजा आता है। डर भूल जाते थे? अरे डर नहीं, डरता है, सब डरता है। देखिए, डर भी मन में रहता है लेकिन कमाई के लिए जो है काफी उत्साहित रहते हैं और कहते हैं कि जब बिकता है तो मजा आता है। लेकिन अब कोरोना जरूर लोगों को डरा रहा है क्योंकि जिस तरह से संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी है ऐसे में अब लोगों को डर सताने लगा है। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।